बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 10 एंड द टॉपिक इज ग्राफिक्स इन बेसिक। हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब के अंदर जो हम वर्किंग कर रहे थे, प्रोग्राम्स बना रहे थे, वो हमारे टेक्स्ट मोड्स के अंदर बन रहे थे। नेक्स्ट जो अब हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स की डेफिनेशन देखें। ग्राफिक इज एन आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो ग्राफिक्स है बच्चे, हम लोग ग्राफ्स हम लोगों ने देखे होंगे, एक ग्राफ की फॉर्म होती है। इसी तरीके से वो कह रहा है कि जो ग्राफिक्स है बेसिक लैंग्वेज के अंदर, वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक डिज़ाइन होता है, आर्ट होता है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है मोड्स ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के हमारे पास 3 मोड्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट मोड, सेकेंड वन इज मीडियम रेजोल्यूशन एंड ग्राफिक्स मोड, एंड द थर्ड वन इज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। तो ये 3 मोड्स हैं। इसको हम जो काउंटिंग में इसको नंबर्स देते हैं, वो टेक्स्ट मोड को हम 0 के इक्विवेलेंट रखते हैं, मीडियम मोड को 1 के, एंड हाई रेजोल्यूशन मोड को 2 के। वैसे तो इनको अगर काउंट करें हम तो ये 3 हैं, लेकिन जब हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। इसके अंदर बच्चे आप लोग नेक्स्ट आगे स्टडी करोगे फर्दर मोड्स को भी, वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे है स्क्रीन स्टेटमेंट। स्क्रीन स्टेटमेंट की हम लोग थोड़ा सा इसका पर्पस पढ़ते हैं। द स्क्रीन स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज टू सिलेक्ट अ स्क्रीन मोड अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से पता चला हम लोगों को कि जो हम स्क्रीन स्टेटमेंट है, ये किस लिए यूज करते हैं। हम लोग इसमें ग्राफिक्स के जो मोड्स हमने पीछे पढ़े, 3 मोड्स हमने जिनके बारे में डिस्कस किया, उनको चेंज करने के लिए स्क्रीन मोड हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन स्टेटमेंट यूज करते हैं। सिंटेक्स इसका इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स देखें, मोड, जो मोड हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हम लिखेंगे इसके अंदर। फिर कलर स्विच, अगर हम कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, सिर्फ 3 मोड्स की हमने पहले बात की थी, लेकिन हम जब स्क्रीन मोड के अंदर, स्क्रीन स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि 3 मोड्स के अलावा भी मोड्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो मोड्स होते हैं 0, 1, 2, और 2 के आगे 3, 4, 5, 6 नहीं होते हैं, 7, 8, 9 एंड 10। 10 तक यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और बेसिकली 13 मोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं 0 से लेकर 2 तक, 2 के आगे फिर 3 से लेकर 6 तक स्किप, एंड देन 7 से स्टार्ट करके 13 तक। नीचे देखें, इन लोगों ने यहाँ पे रेजोल्यूशंस लिखी हुई हैं और लिखे हुए हैं यहाँ पे कि किस मोड में क्या रेजोल्यूशन जो होगी वो होगी। पिक्सल और रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग बच्चे। पिक्सल हमारे पास क्या होता है? पिक्सल हमारे पास एक डॉट होता है। स्क्रीन जो है हमारी, कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल्स की स्क्रीन, हमारी मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर ही है ना, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर ही है। तो हमारी जो स्क्रीन्स हैं कंप्यूटर्स की और मोबाइल फोन्स की, वो बहुत सारे पिक्सल्स से मिलके बनी हुई हैं। पिक्सल बच्चे एक डॉट को कहते हैं हम लोग, जो एक सिंगल डॉट होता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, एक पिक्सल है। तो हम लोग के पास पिक्सल जो है उससे मिलकर बनी हुई है हमारी कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स की स्क्रीन्स। और रेजोल्यूशन बच्चे ये होता है कि जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी रेजोल्यूशन उसकी अच्छी होगी। आप इसको रिजल्ट भी कह लो, रिजल्ट भी कह सकते हो कि जितने पिक्सल्स की जो लिमिट है वो ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही रेजोल्यूशन उसकी अच्छी होती जाएगी। इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हम लोगों ने 1 लिखना है तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 50 पिक्सल, मतलब 50 डॉट्स। 50 डॉट्स के साथ हम लोग 1 लिखते हैं, और सेम टाइम पे अगर हम कह देते हैं कि अब हम लोग एक और 1 लिखेंगे, लेकिन वो हम लोग लिखेंगे 100 पिक्सल्स के साथ, तो 100 पिक्सल्स वाला जो होगा ऑब्वियसली वो डार्क होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी सी स्पेस के बाद बिल्कुल, बल्कि ऑलमोस्ट जुड़े ही होंगे वो डॉट्स, जो पिक्सल्स हैं वो ऑलमोस्ट कंबाइन होंगे आपस में, तो वो उसकी रेजोल्यूशन जो है, उसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय 50 पिक्सल वाले रिजल्ट के। तो ये है स्क्रीन मोड। इसके अंदर हम लोग मोड्स चेंज करने के लिए स्क्रीन स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसके अंदर देखें, स्क्रीन मोड लिखा हुआ है, आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो इसमें देखें, 0 टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड के अंदर बच्चे हम लोग सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स नहीं कर सकते। कुछ भी हम लोग ने अगर पिक्टोरियल फॉर्म देनी है तो वो हमें मीडियम रेजोल्यूशन या हाई रेजोल्यूशन मोड में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इन्होंने यहाँ पे कलर्स डिफाइन किए हुए हैं। कलर्स को हम आगे, हमारे पास एक टेबल है वो आप लोग को याद करना पड़ेगा एज इट इज, तो वो उसको देखते हैं कि वो टेबल क्या है।
तो ये बच्चे हमारे पास एक टेबल है, ये आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। फर्स्ट पे देखें, इन्होंने नंबरिंग दी हुई है सारे टेबल्स की, 0 से लेके 1 तक स्टार्ट किया हुआ है। उन लोगों ने 1 और 9 देखें, जो मोड है 1 और 9, उसके अंदर हम 4 कलर्स यूज कर सकते हैं। वो कौन से कलर्स हैं? 0, 1, 2, 3। और आपको ये नंबर्स देखना पड़ेगा कि ये 0 के आगे कौन सा कलर है, ब्लैक है, 1 के आगे लाइट सियान है, 2 के आगे लाइट मैजेंटा है, एंड 3 के आगे व्हाइट है। तो आप 1 और 9 मोड के अंदर आप सिर्फ ये 4 कलर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड 2 है, उसके अंदर आप जस्ट 2 कलर्स यूज कर सकते हैं, 0 और 1। 0 है ब्लैक एंड 1 है व्हाइट। तो इस तरीके से आप इसको कलर स्कीम को, इसके पूरे टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ये याद ही करना पड़ता है, इसके कोई फॉर्मुलेशन नहीं है या कोई इसके लिए कोई हम क्लू नहीं कर सकते, कोई क्लू नहीं दे सकते आपको। ये आपको टेबल एज इट इज याद करना पड़ेगा, और ये टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे जाके ग्राफिक्स के अंदर कलर स्कीम को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कलर का नेम मेंशन नहीं करना होता, वहां पे नंबर मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है, कलर स्टेटमेंट हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बच्चे हमारे पास है पी सेट स्टेटमेंट। पी सेट स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा इसका पर्पस स्टडी करते हैं। टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ द ग्राफिक मोड। तो पी सेट स्टेटमेंट की जो फुल फॉर्म है वो है पॉइंट सेट। पी का मतलब है पॉइंट सेट स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चे हम लोग अपनी जो हमारी स्क्रीन है, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है, इसके ऊपर या वर्किंग हमारी जो इंटरफेस होता है, जो हमें प्रोवाइड किया जाता है वर्किंग के लिए, उसके ऊपर हम पॉइंट कहीं पे भी अगर हमें लगाना है तो हम पी सेट स्टेटमेंट के थ्रू वहाँ पे पॉइंट जो है वो मार्क कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि जो हमारी स्क्रीन है वो हमेशा डिवाइड हुई होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। उसके अंदर जो पिक्सल्स, जिन पिक्सल्स को मिला के वो स्क्रीन बनी होती है, वो बनी होती है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में। तो हमेशा जब भी हम उसका एड्रेस देंगे कि हम लोग कहाँ पे मार्क करना चाहते हैं कोई भी पॉइंट, या जो भी हम लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, लाइन वगैरह की स्टेटमेंट हम आगे स्टडी करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी हम स्क्रीन के ऊपर पॉइंट देना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमें उसको उसका एड्रेस बताना पड़ेगा कि किस जगह पे आपने वो पॉइंट जो है वो बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में से उसको देंगे, और याद रखना है कि जो इसके अंदर लिमिट होती है वो 0 से लेके 199 तक हमारी स्क्रीन पे शो हो रही होती है, और जो इसकी रेंज होती है कि कितनी वाइड हमारी स्क्रीन का साइज है वो होता है -3 to 7 6 7 तक। ये बात याद रखनी है, लेकिन जो हमारी स्क्रीन पे हमें शो हो रही होती है वो उसकी जो 199 रेंज होती है। तो अगर 199 के आगे हम कोई पॉइंट लगाएंगे तो वो पॉइंट हमें स्क्रीन पे शो नहीं होगा, मगर वहां पे कोई एरर नहीं आएगा। तो इसका सिंटेक्स देखिए, पी सेट एक्स वाई, जहां पे भी हम लोगों ने पॉइंट लगाना है वहां पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एंड देन कलर आगे। तो वहां पे जो भी हम पॉइंट देंगे, एक्स की जो वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल हमने 50 एक्स की वैल्यू दी एंड 50 वाई की वैल्यू दी, तो जहां पे 50 एक्सिस है और वाई एक्सिस है, 50 जहां पे आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वो वहां पे एक डॉट जो है वो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें शो कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट का पर्पस, बच्चे हम लोग लाइन स्टेटमेंट को यूज करते हुए ग्राफिक्स मोड के अंदर क्या कर सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कोई शेप्स बना सकते हैं, शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह। ये बात याद रखनी है कि हम लोग इसके अंदर डायगोनल कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोगों ने लाइन स्टेटमेंट के अंदर जब भी हम लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारी स्ट्रेट या फिर स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, कुछ इस तरह की शेप बनेगी। इसका हम लोग आगे देखते हैं, सिंटेक्स देखें इसका, लाइन X1, Y1, जो भी हम लोगों ने X1 देना है, और Y1 मैंने आपको बताया कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वो डिवाइड हुई भी होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। इसी तरीके से अगर हम लोग उसको वहां पे कोई स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो उसी ने क्या किया, उसने आगे Y2 और X2 दिया है हमें, उसको Y2 और X2 हमें उसने डिफाइन किया है। नेक्स्ट अगर देखें, B हमारा होता है बॉक्स, हम बॉक्स बनाना चाहते हैं B, F हमारे पास यहाँ पे देखें, F जो है उसने हमें यहाँ पे बताया है कि हमारे पास करते हैं हम लोग उसको फिल करने के लिए, जो बॉक्स हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको फिल करने के लिए जो हम लोग बॉक्स को यूज करते हैं वो हमारे पास एफ का साइन होता है। तो ये थी हमारी लाइन स्टेटमेंट, इसका सिंटेक्स था, इसका एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट है हमारे पास।
हमारे पास है सर्कल स्टेटमेंट, तो सर्कल स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं बच्चे सर्कल ड्रॉ करने के लिए या फिर एलिप्स ड्रॉ करने के लिए। एलिप्स क्या होता है, अब इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एलिप्स जो है बच्चे, सर्कल हमारे पास बिल्कुल राउंड होता है, और जो एलिप्स होता है वो हमारे पास लेंथ में ज्यादा होता है मगर विड्थ उसकी थोड़ी कम होती है। ओवल शेप टाइप का एक शेप होती है हमारे पास, उसको हम लोग एलिप्स भी कहते हैं और ओवल भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो उसका नेम है वो एलिप्स ही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टडी करते हैं। हमने पर्पज इसका मैंने आपको बता दिया कि हम लोग यूज करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए या फिर एलिप्स ड्रॉ करने के लिए। इसका सिंटेक्स देखिए, सर्कल लिख के एक्स वाई सेम एज इट इज, एक्स वाई जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसके मतलब इसका जो हम लोग आगे देखें, एंड रेडियस इज द रेडियस, इसका जो इसका रेडियस है, रेडियस बच्चे हमारा मतलब है इसका यहाँ पे कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम पॉइंट जो सिलेक्ट करेंगे कि जो भी हम उसको स्पेस देंगे वो वहां पे पहले सेंटर पॉइंट बनाएगा, फिर उसके आगे हम उसको रेडियस देंगे कि इसका जो रेडियस है, रेडियस का मतलब होता है पॉइंट से लेके सर्कल के एंड तक, जहां तक हम चाहते हैं कि हमें सर्कल की जो विड्थ है वो मिले वहां तक जो होता है वो पॉइंट, उसको हम कहते हैं रेडियस। और उस पॉइंट के पूरे सर्कल राउंड, उस जो पूरे पॉइंट के इर्द गिर्द जो एक बाउंड्री ड्रॉ होती है वो उस रेडियस की बेस पे होती है। फिर उसको हम रेडियस नंबर देते हैं। आगे कलर है, कलर अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हमने पीछे पढ़ा कलर्स के नंबर्स पढ़े थे, हम उसमें से कोई कलर सेलेक्ट करेंगे, वो हम कलर का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ये बात हो गई एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए। अगर हम एलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं एक, तो फिर हम लोग यहाँ ऐसे ही एक्स वाई की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, रेडियस भी हम देंगे, कलर हम देना चाहते हैं हमारी मर्जी है। फिर उसके आगे स्टार्ट और एंड जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बात याद रखने की है, ये जो स्टार्ट और एंड है, क्योंकि एलिप्स के अंदर लेंथ ज्यादा होती है विड्थ से, तो यहाँ पे हम स्टार्ट और एंड अगर नहीं भी लिखते हैं तो वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सिंटेक्स के अंदर जहाँ पे भी आप कोई सिंटेक्स दे रहे हैं आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप एक चीज मिस कर रहे हैं तो आपने ये जो कॉमास हैं ये मिस नहीं करने, कॉमास वहां पे मेंशन होने चाहिए ताकि उसको पता चल जाए कि कॉमास मेंशन है, कॉमास के अंदर जो वर्ड था या जो भी कमांड थी वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम उसको स्किप करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है हम उसी कलर के अंदर या उसी स्टाइल के अंदर वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो कॉमास जो है उनको मिस नहीं करना आपने। चाहे आप सेंटर से कोई वर्ड, जैसे यहाँ पे कलर है तो कलर हम छोड़ सकते हैं, मगर जो कलर के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कॉमास है हम वो कॉमास मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें आगे, एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट का मतलब है कि हम लोग की जो एलिप्स का लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा होगी, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर हमारे पास एक एलिप्स या फिर हम अगर सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो जस्ट एक्स वाई को लिख के एक्स वाई की वैल्यू लिखेंगे, आगे उसका रेडियस दे देंगे, तो हमारा जो सर्कल है वो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ स्टेटमेंट। ड्रॉ स्टेटमेंट क्या होती है, ड्रॉ स्टेटमेंट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ड्रॉ स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन के ऊपर शेप्स बनाने के लिए या लाइंस लगाने के लिए, लाइंस बनाने के लिए। वो किस तरीके से करते हैं, लाइन स्टेटमेंट में भी हमने यही पढ़ा था, मगर ड्रॉ स्टेटमेंट जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। उसमें ये चेंजिंग है कि इसके अंदर हम डायगनली भी वर्क कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ कमांड्स होती हैं, ये टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा, इसकी मूव्स आपको पता चल जाएंगी, उसके आगे ही उन्होंने मेंशन की हुई है, इसी तरीके से आप याद करोगे। यू एन की कमांड है, एन का मतलब है बच्चे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि हमारी स्क्रीन जो है वो मैंने बताया पिक्सल से बनी हुई है, तो एन का मतलब है कि कितने, यू का मतलब है अपवर्ड और एन का मतलब है उतनी अमाउंट जितने पिक्सल ऊपर हम मूव करना चाह रहे हैं, जितने पिक्सल अपवर्ड हम लाइन को लेके जाना चाह रहे हैं। डी एन का मतलब है डाउन, एल एन का मतलब है लेफ्ट, आर एन का मतलब है राइट, ई का मतलब है डायगनली अप एंड राइट। डायगनली अप एंड राइट का मतलब है राइट साइड पे टेढ़ा, डायगनल का मतलब है स्लोप की फॉर्म एक, और ऊपर राइट साइड पे अपवर्ड। नेक्स्ट देखिए एफ एन का मतलब है डायगनली डाउन एंड राइट, मतलब राइट साइड पे डायगनली डाउन। नेक्स्ट है जी एन, जी एन का मतलब है डायगनली डाउन एंड लेफ्ट, डायगनली स्लोप बनेगी किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड। एच एन का मतलब है डायगनली अप एंड लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे डायगनल बनेगा, स्लोप बनेगी और अपवर्ड बनेगी। तो ये एक टेबल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके आगे आप इसका सिंटेक्स भी देखें, सिंटेक्स जो है इसका ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग का मतलब है यहाँ पे ये जो हमारे U है, U ऑब्वियसली कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो U के साथ N हम लोग उसका जो भी नंबर, हम लोग जितने भी पॉइंट्स ऊपर लेके जाना चाहते होंगे हम वो मेंशन करेंगे। और U जो है स्ट्रिंग इसलिए लिखा क्योंकि U D L N E F F F G N ये जो सब है ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो इसलिए उसने सिंटेक्स में आप लोग लिखोगे ड्रॉ और स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब जो हमारी वैल्यू है वो लिखोगे। तो ये हमारी
स्टेटमेंट्स थी, कुछ बहुत इजी स्टेटमेंट्स हैं। और याद रखना कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिर्फ हम ग्राफिक मोड्स के अंदर यूज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट मोड के अंदर ये सारी स्टेटमेंट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, इनका वहां पे कोई यूज नहीं है। बहुत इजी स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद करें, इसका पर्पस सिंटेक्स और इसकी एक एक एग्जांपल देखें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। कुछ अगर फिर भी डिफिकल्टी होगी तो आप वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा आपकी जूम मीटिंग में, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल के नंबर पे, आपको इंशाल्लाह ताला वो समझा दिया जाएगा। आई होप सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, मगर अगर फिर भी होगी तो फिर इंशाल्लाह उसको हम लोग क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम स्टे सेफ।